नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के सेशन में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, और टॉपिक आज का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और आज इसका दूसरा भाग होगा। इससे पहले आपने पार्ट वन में कुछ चीज़ें सीखी हैं जिसका रिकैप भी आज के एक्सपर्ट करेंगी, और उसके बाद दूसरे पार्ट में जो शेष चीज़ें बची हैं उनको आपको पढ़ाने समझाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि ये इंटरैक्टिव लाइव सेशन है, तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर है 8800440559, और इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप हमें लिख सकते हैं, जो है dth.class10@cit.nic.in। और आप जानते हैं इस कार्यक्रम को आप DTH पर ई विद्या चैनल नंबर 10 पर तो देख ही रहे हैं, साथ ही आप इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। YouTube पर आप टाइप कीजिए NCERT ऑफिशियल, या फिर आप टाइप कर सकते हैं NCERT ई विद्या क्लास 10, और इन दोनों चैनलों पर भी लाइव उपलब्ध रहेगा। और इस लाइव सेशन के दौरान भी कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया या अपने प्रश्न लिख सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे। और अब आपका परिचय कराते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट, आज की मेहमान से। हमारे साथ हैं सविता ग्राहक मैम, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। जी नमस्कार सर, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी तो आगे बढ़ें, उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कि ये इंटरैक्टिव लाइव सेशन है, इसका हिस्सा आप खुद भी बन सकते हैं। और पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में आपने क्या सीखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपने टू वेरिएबल्स में क्या सीखा था, और अगर कुछ उसमें मिस कर गए या कोई डाउट है, कोई भ्रम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे पास लिख करके भेजिए, एक्सपर्ट से हम उसे पूछने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सत्र का, और मैम से मैं आग्रह करूँगा कि पहले पार्ट में जो आपने पढ़ाया था बच्चों को, उसको एक बार रिवाइव कर लें, रिकैप कर लें, ताकि बच्चों को आसानी से चीज़ों को समझने में मदद मिले। मैम जी बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी डिस्कस किया, तो लेट अस फर्स्ट रिकैप्चुलेट द सेम कि प्रीवियस सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया है रिलेटेड टू द सेम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेट अस डिस्कस, वी हैव डिस्कस दैट व्हाट Do we mean by linear equations? हमने डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। पेयर यानी जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस एक ही क्वेश्चन में हो, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इफ आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल फॉर दिस, दैट x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस, एंड डेफिनेटली For both of the equations, we can see there are two variables x and y, and for both of the variables, the degrees are 1. Therefore, these will be known as pair of linear equations in two variables. Iske baad, we have discussed ke how to represent the given linear equations graphically. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमें कैसे समझ आ सकता है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशंस हैं, वेदर दैट इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यानी हमने ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बहुत ही डेप्थ में शेयर किया था। हमारे जिन भी व्यूअर्स ने प्रीवियस सेशन को मिस किया है या स्किप उनसे हुआ है, सो दे कैन गो थ्रू द सेम टू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल मेथड for solving the linear equations in two variables. Today we will discuss many more methods for solving the same equation. Okay, so if the pair of linear equations are given to us, dear viewers, we do want to share with you कि कैसे उन दोनों equations को देखने मात्र से ही ये clear हो सकता है whether those equations are having unique solution or infinitely many solutions or no solutions. So what is the method? Here I have written two linear equations in two variables and these are general. General means here A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are representing some constant values. And X and Y both are the variables in this particular question. So if you have the ratio of A1 and A2, that means the ratio of the coefficients of x in first and second equation, and you are also calculating the ratio of the constants of the other variable y, and both of these are not equals to each other. All right, means if a1 divided by a2
एंड बी वन डिवाइड बाई बी टू आर गिविंग अस टू डिफरेंट वैल्यूज, तो उस केस में क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है विदाउट सॉल्विंग दैट हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इट इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ अगर सॉल्यूशन यूनिक है दैट मींस लाइंस कैसी बनेगी, दोज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। वी हैव डिस्कस दिस इन अ प्रीवियस सेशन दैट यूनिक सॉल्यूशन मींस ग्राफ पर आपने जो दो लाइंस ड्रॉ की हैं उन दोनों के कितने सॉल्यूशंस हैं, अ सिंगल सॉल्यूशन इज देयर, देयरफॉर दोज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड द थर्ड थिंग इज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। डियर व्यूअर्स, व्हेनेवर हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है, चाहे एक सॉल्यूशन चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम या हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेट अस डिस्कस फर्दर। अब हो सकता है कि आपने यही रेशियोज कैलकुलेट की, दैट मीन्स ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू, और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू बोथ आर इक्वल, इन दैट केस दिस इज अ मस्ट कि आप कॉन्स्टेंट टर्म्स का भी रेशियो निकालेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म्स का जब आप रेशियो निकालते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, विदर आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म्स का रेशियो अनइक्वल होगा, वेदर वो भी इन्हीं दोनों रेशियोज के इक्वल आ जाएगा। ऑल राइट, तो अगर हमारे पास ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, उस केस में क्या होगा, इन दैट केस द सिस्टम इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू टेल दैट इफ देर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दैट मीन्स द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट लाइन्स, बोथ ऑफ द लाइन्स विल बी ओवरलैपिंग each other, and definitely since there are solutions, therefore the system is again consistent. But ऐसा भी हो सकता है that a1 upon a2 and b1 upon b2 both are equal, but c1 upon c2 this ratio is different. अगर आपके पास ये ratio different है तो इस केस में आपके सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है means both of the lines will be parallel to each other. एंड सिंस देर इज नो सोल्यूशन देयर फॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर टेलिंग यू द सेम फ्रॉम रियल लाइफ। मान लीजिए आपने दो पेन्स खरीदे एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज एक्स, एंड यू हैव बॉट ऑफ वन रजिस्टर वन नोटबुक एंड यू आर एबल टू पे रुपीज लेट मी से 40 फॉर दिस परचेजिंग। आपने दो पेन्स और एक नोटबुक खरीदी एंड यू आर पेइंग रुपीज 40 टू द शॉपकीपर, बट यूर फ्रेंड ही इज बाइंग फोर नोटबुक्स फोर पेन्स एंड टू नोटबुक्स फ्रॉम द सेम शॉप फ्रॉम द सेम शॉपकीपर। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप कंपेयर करते हैं अपने रिलेशनशिप से कि आपने दो पेन और एक नोटबुक के लिए 40 रुपीज पे किया है तो आपके फ्रेंड को उसके ठीक डबल दो की जगह फोर पेन्स और टू रजिस्टर्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ही हैज टू पे रुपीज 80। बट वो आता है और वो आपको बताता है दैट डियर फ्रेंड आई वेंट टू द सेम शॉप, यू हैव पेड रुपीज 40 बस, बट आई हैव पेड रुपीज 70 फॉर फोर पेन्स एंड टू नोटबुक्स। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स या तो वो बार्गेनिंग में मुझसे अच्छा है या फिर जो भी शॉपकीपर है वो उस बच्चे के रिलेशन में कुछ ना कुछ उसके अंकल हैं या नोन हैं जिस वजह से वो उसको थोड़ा सा सस्ती चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर कोई भी थर्ड पर्सन इन दोनों इक्वेशंस को व्यू करता है तो इन दोनों इक्वेशंस को व्यू करने पर व्हाट विल ही से, दैट दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ऑल राइट, बट हियर इन द फर्स्ट केस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आप देख सकते हैं अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं सो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 मींस b1 अपॉन b2 एंड 40 अपॉन 80, और इफ यू ड्रैग द वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तब भी ये बनता है -40 अपॉन -80 मींस 1/2 1/2 1/2। यानी इस केस के लिए देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बट फॉर द अदर केस देयर इज
नो सॉल्यूशन। अगर कोई थर्ड पर्सन जाता है उसी शॉप पर और वो परचेज करता है 6 पेंस एंड 3 नोटबुक्स, सो ही विल नॉट बी श्योर कि मुझे कितने रुपीज पे करने हैं इन एडवांस। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, तो अभी हमने जो चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है, डियर व्यूअर्स, आपको ये चार्ट बहुत ध्यान से ऑब्जर्व भी करना है और आपको क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, लेट अस डिस्कस दैट एज वेल। आपको एग्जामिनर 3 तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो। द फर्स्ट मेथड इज कि आपको पूछा जा सकता है 2 इक्वेशंस देने के साथ ही कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव। सो आपको कैलकुलेट करने हैं ये रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। अगर आपके पास इन तीनों केसेस में से कोई भी केस बनता है, सो यू विल बी एबल टू टेल इट इजीली कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ एक्सप्लेन। तो वो भी आप ये तीनों रेशियोज को कैलकुलेट करने की हेल्प से विदाउट कैलकुलेटिंग विदाउट ड्रॉइंग दोज इक्वेशंस ऑन द ग्राफ बहुत इजीली बता सकते हैं। ऑल राइट, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितने सॉल्यूशंस हैं, हमसे ये भी नहीं पूछा गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। हमें पूछा गया है लाइंस किस तरह की बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं या फिर पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो सिंपली आप चाहें तो सबसे पहले अपनी कांस्टेंट वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रैग कर सकते हैं। सो यू हैव दिस सेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कैलकुलेट A1 अपॉन A2, व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर डेफिनेटली गेटिंग 2 डिवाइडेड बाय 9। बट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 अपॉन B2? दैट इज -3। डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर द साइन अलॉन्ग विद, आपको साइन को भूलना नहीं है। अगर आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू नेगेटिव है सो यू विल हैव टू टेक दैट, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो क्लियरली हमें विजिबल है दैट A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 बोथ आर अनइक्वल। तो अगर ये दोनों ही अनइक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है। दैट मीन्स द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन एंड व्हाट द सेकेंड क्वेश्चन इज। इन द सेकेंड क्वेश्चन वी कैन सी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बट फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज गिवन है, दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज 3/2, कॉफिशियंट ऑफ वाई दैट इज 5/3। सो बेटर क्या है कि हम सबसे पहले एलसीएम लेते हुए अपनी फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लें कि हमारे लिए उसे समझना इजी हो जाए। सो ये फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 9x + 10y - 42 = 0 एंड योर सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 4x - 4y - 9 = 0 विच इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम दिस थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी कैन से और वी कैन कैलकुलेट द रेशियो A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 विच इज -5/2 आफ्टर कैंसिलेशन। 10 और 4 दोनों ही टेबल ऑफ 2, 2 के टेबल पर आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, देयरफॉर ऑन कैंसिलेशन यू आर एबल टू गेट दैट B1 अपॉन B2 इक्वल्स -5/2। यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अभी भी अनइक्वल हैं, तो C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारी ये दोनों लाइंस कैसी हैं, दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन की थोड़ा सा टाइपोलॉजी बदली है। उसने ये नहीं पूछा कि लाइंस के पास यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, ये लाइंस कंसिस्टेंट सिस्टम को शो कर रही हैं या इनकंसिस्टेंट को, बल्कि पहले से हमें बता दिया गया है कि इन दोनों इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और हमें क्या करना है, देयर इज एन अननोन वैल्यू के कॉफिशियंट ऑफ वाई जो हम देख सकते हैं इन द इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमें के की वैल्यू निकालनी है। सो डेफिनेटली आपको सोचना है कि इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, लेट अस रीराइट आवर इक्वेशंस बाय ड्रैगिंग दी कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑल्सो टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका सी कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पर है देन इवन दैट इज ओके, बट आप गिवन क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्स्टेंट वैल्यू 5 आपके राइट हैंड साइड पर है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में कॉन्स्टेंट वैल्यू +15 लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो आपको ये फोकस करना है कि दोनों ही इक्वेशंस में हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू आइदर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड और ऑन दी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन हम मेंशन करते हैं विच इज 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और इन दोनों इक्वेशंस में नो गिवन है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो यू विल सिंपली से दैट द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। और आप अपने क्वेश्चन से बहुत इजीली चेक कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, दैट इज द कॉफिशियंट ऑफ x, और कॉफिशियंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, 1, इफ नथिंग इज मेंशन देयर अलोंग विद x, यानी उसका कॉफिशियंट है 1। सो यू हैव 1 upon 3 not equals to 2 upon k, and from here on cross multiplication you are able to say that k is not equals to 6. That means k can be any real number other than 6 to give the system of equations a unique solution. Let us discuss one more question of the same type. The same question is there, but this time examiner is asking us ki agar no solution hai usi system ka. सो आपने पहले अपनी दोनों इक्वेशंस को एक बैलेंस्ड फॉर्म में मेंशन कर लिया, लिख लिया, और ऐसा लिखने के बाद नो सॉल्यूशन के केस में यू हैव a1 upon a2 equals b1 upon b2, बट द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट्स विल बी अनइक्वल। ऑल राइट, सो इफ यू आर मेंशनिंग इट, राइटिंग इट, यू आर एबल टू गेट 1 upon 3 equals 2 upon k, which is not equals to minus 5 upon 15. All right? Minus 5 upon 15 को आप कैंसिल करके 1 upon 3, negative 1 upon 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी होती कि आप 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर ना लेकर गए होते, तो आपके पास यहाँ पर c1 upon c2 के प्लेस पर आप मेंशन कर देते बाय मिस्टेक 5 upon 15, और जिस वजह से आपके पास आ रहा होता 1 upon 3, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट a1 upon a2 इज ऑल्सो 1 upon 3। यानी इस इतनी सी मिस्टेक के कारण हमारे पास आ जाता दैट a1 upon a2 equals c1 upon c2। यानी ये क्लियर हो जाता कि सिस्टम के पास जो है यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं है, लेकिन नो सॉल्यूशन भी नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते। तो इसीलिए आपको ये फोकस करना बहुत ज्यादा मस्ट है कि आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज या तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए लेफ्ट साइड पर होंगी या दोनों ही इक्वेशंस के लिए राइट साइड पर होंगी। सो ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ c1 upon c2 इज 1 -1/3। So if you are equating the first two values, you are able to get that k is equal to 6. अगर आप लेते हैं दोनों values जो बाद में आपको मिल रही हैं, that b1 upon b2 not equals to c1 upon c2, तो आपके पास क्या आ रहा है, k की value अगर आप यहाँ 6 put कर भी देते हैं, all right, तो आपको मिल रहा है 1 upon 3 not equals to -1/3, which is a true statement. That means इस सिस्टम के पास no solution होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी, that will be 6.
इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपने ये चीज को फोकस करना था इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि पहले हमने ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू को इक्वल लेते हुए उस के की वैल्यू को आपने उस रिलेशनशिप में भी पुट करके दिखाया दैट सी वन अपॉन सी टू उस वैल्यू को पुट करने के बाद भी अनइक्वल ही आ रही है। और अगर केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का, सो हियर द सिस्टम इज इक्वल सी। सो आप देख सकते हैं फोर अपॉन के इक्वल्स 5/10, बट अगर आप देखते हैं अपने सी वन और सी टू को, सो यू आर एबल टू गेट 0/0 फ्रॉम हियर। कैन यू से दैट 4/k और 5/10 कैन दीज बी इक्वल्स टू 0/0? नो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो केस बनता है वो है कि तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, बट क्लियरली आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बल्कि वो दो ऐसी वैल्यूज हैं विच आर 0 एंड 0। दैट सिंपली मीन कि आपके पास ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में 0.0 को आप 1/1 नहीं लिख सकते, आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं पर भी 4/0 लिखा होता तो आप उसे इनफिनिटी लिख सकते थे, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ऑलवेज प्रोवाइड्स इन्फिनिटी, एंड इफ 0 इज डिवाइडेड बाय समथिंग दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू अ 0, बट हियर इट इज 0/0। दैट मीन्स आप सिंपली कहेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ के जिसके लिए एक सिस्टम के पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या आप बोलेंगे के फॉर नो वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इज हैविंग इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ, अगर हमसे पूछा जाता कि इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, सो दैट वाज पॉसिबल। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नो सॉल्यूशंस केस इज देयर, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, एंड आई वुड लाइक माय व्यूअर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन राइट नाउ। आप क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग सम मोर मेथड्स फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डियर व्यूअर्स, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड से हमने बहुत अच्छे से इक्वेशंस ड्रॉ करके ग्राफ पर प्रीवियस सेशन में सीखा था कि किस तरह से ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट एल्जिब्राइक मेथड की जब आप बात करेंगे तो एल्जिब्राइक मेथड इज हैविंग थ्री मेथड्स फर्दर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बुक्स नाउ, बट बोथ ऑफ द मेथड्स सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन नीड्स टू बी डिस्कस्ड बाय अस, जिसमें से अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही डिस्कस करेंगे। द स्टेप्स आर रिटन हियर ऑन द स्क्रीन। व्हाट यू विल डू, आप फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कैलकुलेट करें और उस वैल्यू को आप पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। लेट अस डिस्कस अ सिंपल क्वेश्चन फॉर द सेम। यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस 2y इक्वल्स 5, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 12y इक्वल्स 10। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमने कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की x इक्वल्स 5 माइनस 2y, एंड यू विल हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इफ यू आर डूइंग सो यू आर एबल टू गेट अ न्यू इक्वेशन, बट दैट इज देयर इन अ सिंगल वेरिएबल। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन सिंपली वी आर एबल टू गेट दैट द वैल्यू ऑफ वाई इज -5/6। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली यू कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी जी मैम, अब समय हमारे पास धीरे धीरे समाप्त तो हो रहा है और हमें इस कार्यक्रम को, इस सेशन को एंड करना पड़ेगा। अगर आखिर में कुछ कहना है आपको तो एक बार बता दें, उसके बाद हम विदा लेते हैं।
जी बिल्कुल, आई वुड लाइक टू टेल टू आवर व्यूअर्स कि वो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करें कि किस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन होने पर आप कोई भी अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आवर व्यूअर्स कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद अस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू जी सर. जी थैंक यू मैम, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो छात्र हैं, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो टॉपिक था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसका दूसरा भाग था, इसमें जो चीज़ें आपने आज समझाई उसको बहुत सहजता से उन्होंने समझ लिया होगा, और ये सेशन उनके लिए निश्चित तौर पर बेनिफिशियल रहा होगा, लाभप्रद रहा होगा। सविता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे छात्रों दर्शकों को इस पाठ को विस्तार से समझाने के लिए, और जी साथ थैंक यू सर, धन्यवाद. जी और धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने छात्रों का, अपने व्यूअर्स का भी, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। ई विद्या चैनल पर आप बने रहिए, अगला सेशन उर्दू भाषा का होगा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, और टॉपिक है जीने का सलीका। कुछ ही देर में आपसे कनेक्ट होते हैं। नमस्कार।